फट गई भाई पतंग एक साइड से। ये देखो गाइस पतंग फट चुकी है। देखो आशिक दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई जी आशिक, इस करके तीन चार पतंग ने फिर फंसा दिया। पर देखो अब उड़ाएंगे भाई ये बड़ा एक तवा। और देखे यहाँ पर माहौल, हवा चल चुकी है बढ़िया। और प्रेम इसको उड़ा रहा है, यहाँ पर भैया उड़ा रहे हैं। उसी से 10-12 पतंगे काट दिया भैया ने। अब देखते हैं शाम को और ज्यादा उड़ गए। देखो आगे देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा पतंगे दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर ये देखो कीड़े मकोड़े से, और यही हाल पीछे का है। देखो यहाँ पर देखो कीड़िया मकोड़िया सी बात दिख रही होंगे, सब पतंगे उड़ रहे हैं दुनिया जान की यहाँ पर। यहाँ पर मजेदार गाने बज रहे हैं, इसके पहले इसको सही कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ घूम रही थी पतंग, थोड़ी सी उड़ाई ना जैसे, अब भारी पतंग है तो इसको पहले सेट कर लेते हैं और फिर उड़ाएंगे। टेप टूप लगा देते हैं इस पे और फिर उड़ाते हैं इससे, देखते कितने पतंग हम काट पाएंगे। नहीं बस इन्ना ऊपर ना अटका दे एक जगह बधा का चौकी दूर बधा के एक जगह अटका कर रख बस इन्ना, तो बस शुद्ध रहनी चाहिए। तो भैया हम पहले बधा लेते हैं इसको। देखो भारी पतंगों का एक सिस्टम बताऊं, भारी पतंग से भाई खींच तो मार नहीं सकते आप, तो बेहतर ये उसको ना आप हवा में अटका लो, पूरी भारी कर लो, कोई भी आए ना पेंच या ढील या खींच के लिए तो लगती साफ होगी उसकी। तो हम भी यही कोशिश करेंगे भाई, पहले भारी पतंग को भजा लेते और भजाने के बाद इसको एक जगह अटका लेंगे यहाँ पर। ये जा रही जान दा डिल्ला प्रेम। देखो जो भी बीच में आएगी ना भारी होने के कारण वो लगती लगती पे साफ होएगी पतंग यहाँ पर। ये देखो तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा भाई, भारी पतंगों से खींच मार रहे मत। अगर हाँ बड़े हो आप फिर मार सकते हो, क्योंकि बड़े मार सकते, छोटो से क्या यार अंगली उंगली में कट सकती है, तो यार ध्यान से, और ऊपर से डोर भी टूट सकती है यार। देखो पर पेंच लेने के लिए भी आ गया अभी पतंग यहाँ पर। ये देखो ब्लैक आली गई। वो देख पे खींच मारने की कोशिश कर रहा है चिट्टे आला, बस हवा मरा किन्ना, अगर हवा मरा के फिर तो काट देंगे मम। अच्छा कन्नों के पास लग गया पेंच, उन्हें खींच लेने की कोशिश कर, दिख रही होगी गाइस आपको व्हाइट कलर की पतंग, तो इसने क्या किया हमारे, ये देखो कन्नों के पास अटका दी, क्योंकि उसे भी पता भाई भारी पतंग है सिर्फ कन्नों के पास से ही टूटेगी, मतलब कन्ने के पास से ही जाएगी। देखो अब 2-3 पतंगे आ गए यहाँ पर। अरे कहाँ बीच में रहा, वो देखो अब 2-3 पतंगों से लग चुके हमारे पेंच यहाँ पर एक ही साथ। अब जैसे हमारी लटक गई ना तो इसमें खतरा रहता है, क्योंकि यार लटक गई ना भारी पतंग तो समझो कटने की फिर तदात पे आ जाती है वो, और जो हवा में रहेगी भारी रहेगी फिर नहीं कटेगी आपकी पतंग, क्योंकि फिर इसको हवा मिलती रहेगी। कोशिश कर रहे हैं हम छुड़वाने की पेंच को और हवा में लेने की पतंग को, बस हवा। अरे यार फिर फट गई भाई पतंग एक साइड से। ये देखो गाइस पतंग फट चुकी है। अरे कहाँ रे बीच में। अरे गाइस पतंग फट चुकी है हमारी यार, क्योंकि डोरे फंस जाते हैं ना, इतनी सारी डोरे जा रही हैं, अब किसी ना किसी की तो फंसेगी डोर पतंग में यार। लेकिन अभी कटी नहीं है, 2-3 तक ये काट दिया लेकिन कटी नहीं है, पर हमारी यही कोशिश है। वो देखो तिरंगा गया, तिरंगा लगती साफ हो गया, वो गया बोले। ये थी पतंग नीली सी अब गई है यहाँ पर, और लहरा चिट्टी वाली पतंग थी ये भी काट दिया। और फाइनली आ गए हम दोबारा से ऊपर हवा में, हालांकि फट जरूर गया लेकिन फिर भी हम 2-4 पतंगे काट के ही आए हैं यहाँ पर। हवा में लादे तो ना ऊपर बता का, हवा कम होगी ना।
ये देखो गाइस अब हवा कम हो चुकी है, पतंग हवा में जा नहीं रही है और भारी पतंग को हवा में लगना जरूरी है। ऊपर ऊपर में भी हवा हो सकती है, कोशिश करें अब ऊपर ले जाने की। हवा नहीं आ, वो गई एक और पतंग। देखी जा क्या हवा में जान दे तो जब भी होगी तो इस ते ले ले ब्लैक वाली ते। देखो आशिक दिखाता मैं आपको, देखो भाई जी आशिक गुलाब का फूल ले रहा हाथ में। सिर के ऊपर ही आ गया अब तो पतंग हमारे। देखो और फिर फंस गए पतंगे दो चार, और देखो डोरे फंस चुकी है। ये देखो यहाँ पर साइड में फट रही है ना, इस करके तीन चार पतंगों ने फिर फंसा दिया। पर देखो वो देखो यहाँ पर गाइस, जान दे डील जान दे बस यू तो। एक तो गई काली वाली तो, और फाइनली अब हमारी भी कट चुके हैं यहाँ पर पतंग, क्योंकि तीन चार पतंगों ने आक्रमण कर दिया था भाई एक साथ, तो ये जा रही है हमारी कट के पतंग। बाकी हमने बहुत पतंगे कट गई इससे साथ,